आज हम आए मार्वेला रेसिडेंसी में, अ प्रोजेक्ट बाय मार्वेला ग्रुप। ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। ये भीमराड अल्थान में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग का एलिवेशन। ये 2 and 3 BHK का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से 2 BHK ऑलरेडी पूरा सोल्ड आउट है और 3 BHK काफ़ी लिमिटेड फ्लैट्स बचे हुए हैं। टोटल 3 टावर्स है यहाँ पे। ये A टावर है और इसके पीछे B एंड C टावर है। A टावर में ग्राउंड, अपर ग्राउंड पूरा कॉमर्शियल है और फर्स्ट फ्लोर से रेसिडेंस स्टार्ट है। फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट्स है, उसके अलावा एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स है। A टावर आपका 13 स्टोरीज़ है, B टावर आपका 14 स्टोरीज़ है और C टावर आपका अगेन 13 स्टोरीज़ है। आइए मैं आपको अंदर से दिखवा देता हूँ। यहाँ पर है सोसाइटी का गार्डन एरिया, आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज गार्डन है। और आजू बाजू में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लांटेशन है यहाँ पर। और जो भी एमिनिटीज़ है यहाँ पर आपकी ग्राउंड फ्लोर पर है, जैसे कि जिमनेशियम, इंडोर गेम्स। ये A टावर है, ये B टावर है और ये C टावर है। C टावर आपका 2 BHK का टावर है और बाकी के दोनों टावर्स आपके 3 BHK हैं। आइए मैं आपको फ्लैट दिखवा देता हूँ। चेकिंग आउट 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन अल्थान। ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ पर है इसका फॉयर एरिया, स्पेस फॉर योर शू रैक। ये 2 and 3 BHK फ्लैट्स का पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 2 BHK पूरा सोल्ड आउट है ऑलरेडी और 3 BHK बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है यहाँ पे। यहाँ पर है आपका मैसिव लिविंग एरिया, ये 1856 स्क्वायर फीट है, सुपर बिल्ट अप एरिया। यहां पर है आपका सिटिंग एरिया और लिविंग एरिया से कनेक्टेड यहां पर स्टैंडिंग बालकनी है विथ फुल लेंथ फ्रेंच विंडोज। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फीट की स्टैंडिंग बालकनी दी हुई है, जहाँ पर आप फ्लावर बेड वगैरह लगा सकते हैं। और ये साउंड प्रूफ विंडो है, तो नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। बाहर से अगर तेज़ हवा चल रही है तो अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोसाइटी का पूरा गार्डन है, काफ़ी ह्यूज गार्डन है और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा प्लांटेशन किया हुआ है। और आप ये एरिया के आसपास में देख सकते हैं काफ़ी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ही डेवलपिंग और अपस्केल एरिया है ये, डायमंड बुर्ज के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर है सामने आपका टीवी पैनल, एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड। ये इसका सैम्पल फ्लैट है जो कि फुल्ली फर्निश्ड है, फ्लैट आपको एम्प्टी कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पर है आपका डाइनिंग एरिया, इजीली आप 6-सीटर डाइनिंग आपका लग सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर है आपका किचन एरिया, इस तरह से एल शेप में प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। और सभी रूम्स और लिविंग एरिया में आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिलेगी 2x2 की। और यहाँ पर आप किचन में देख सकते हैं विंडो प्रोवाइड की है फॉर नेचुरल वेंटिलेशन एंड सनलाइट इनसाइड द हाउस। और ऊपर भी यहाँ पर आप इस तरह से स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं। यहाँ पर है आपका स्टोर रूम। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपका वॉश एरिया, यहाँ पर है 2 मास्टर बेडरूम्स, राइट साइड पे आपका कॉमन वॉशरूम और उसके पीछे यहाँ पे गेस्ट बेडरूम।
यहाँ पर है वॉश एरिया, आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट साइज़ है वॉश एरिया का। यहाँ पर इजीली आपकी वॉशिंग मशीन भी आ सकती है। 3 BHK यहाँ पे दो लेआउट्स में अवेलेबल है, 1851 स्क्वायर फीट एंड 1856 स्क्वायर फीट। अभी हम जो देख रहे हैं वो 1856 स्क्वायर फीट है। यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं रूम का साइज। यहाँ पर है स्पेस फॉर वार्डरोब। अभी हम बी टावर में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंप है टूवर्ड्स द बेसमेंट, और यहाँ पर है सी टावर। यहाँ पर है अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, सभी फिटिंग्स और सब कुछ आपको ब्रांडेड कंपनी की लगाकर देंगे। अभी हमने लिविंग एरिया, वॉश एरिया, किचन और वन बेडरूम चेकआउट कर लिया है। यहाँ पर है कॉमन वॉश बेसिन। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा सकते हैं फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी टूर्स एंड विजिट्स। अभी हम सेकेंड बेडरूम के अंदर है, ये मेन मास्टर बेडरूम है, अमेजिंगली प्लान्ड एंड डिजाइंड। यहाँ पर है बालकनी और यहाँ पर है अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ पर है विंडो फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर है वॉशरूम। स्पेस फॉर योर वार्डरोब। और ये रूम से कनेक्टेड यहाँ पर बालकनी है, आप देख सकते हैं बालकनी का साइज। यहाँ पर इजीली आप चेयर लगा के बैठ सकते हैं और अनवाइंड हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल गार्डनिंग किया हुआ है। यहाँ पर और भी डिफरेंट एमिनिटीज़ है, जैसे कि चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिमनेशियम, बैंक्वेट हॉल। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है कॉमन वॉशरूम। थर्ड एंड द फाइनल रूम, ये चिल्ड्रंस बेडरूम है और गेस्ट बेडरूम। इंटीरियर काफी ब्यूटीफुली इसको किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप भी अपना फर्नीचर इस तरह से पूरा डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर सामने आपकी वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया। अगर आप पर्सनली आकर ये प्रोजेक्ट विजिट करना चाहते हैं हमारे साथ में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर बेस्ट रेट्स डू कांटेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढो। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम @ प्रॉपर्टी ढूंढो। हैप्पी इन्वेस्टमेंट टू ऑल।